अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं, हिंदी चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, अगर इनसे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर एक है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है सितार वादक, ऑप्शन बी है सरोद वादक, ऑप्शन सी है गिटार वादक, ऑप्शन डी है सहनाई वादक। ऑप्शन डी सहनाई वादक। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्तिचित्र, साक्षात्कार। ऑप्शन सी व्यक्तिचित्र। क्वेश्चन नंबर तीन, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन है ईद, बकरीद, शब ए बारात, मुहर्रम। ऑप्शन डी मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर चार में चार ऑप्शन, सलार हुसैन खां, पैगम्बर बख्श खां, अली बख्श खां, सादिक हुसैन। ऑप्शन बी पैगम्बर बख्श खां। क्वेश्चन नंबर पाँच, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? चार ऑप्शन, सहित, पढ़वा, अर्चना, प्राच्य सब प्रभा। ऑप्शन ए सहित। क्वेश्चन नंबर छः, सहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, काश, नरकट, बांस, सरी। ऑप्शन बी नरकट। क्वेश्चन नंबर सात, इबादत का अर्थ है उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। ऑप्शन ए उपासना। क्वेश्चन नंबर एट, रसूलन बाई थी नर्तकी, गायिका, कवित्री, लेखिका। ऑप्शन बी गायिका। क्वेश्चन नंबर नौ, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका, नर्तकी। ऑप्शन ए अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर दस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। ऑप्शन सी कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? रियाजुल हुसैन, असगर खां, सादिक हुसैन, आफताब अली। ऑप्शन सी सादिक हुसैन। क्वेश्चन नंबर नाइन, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका, नर्तकी। ऑप्शन ए अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर दस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। ऑप्शन सी कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन डी उत्तराखंड प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कुलसुम कौन थी? लेखिका, गायिका, हलवाइन, नर्तकी। हलवाइन ऑप्शन सी। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? ऑप्शन ए आठवीं। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह,
यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 16, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 से कर रहे हैं? चार ऑप्शन है, कमला देवी फाउंडेशन, विमला देवी फाउंडेशन, झुनकी न्यास, महावीर न्यास समिति। ऑप्शन बी विमला देवी फाउंडेशन। फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 17, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? 80 घाट, पंचगंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट और दशाश्व मेघ घाट। ऑप्शन बी पंचगंगा घाट। क्वेश्चन नंबर 18, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शिशिर वाद्य, तुषार वाद्य, सुषिर वाद्य, यांत्रिक वाद्य। ऑप्शन सी सुषिर वाद्य। क्वेश्चन नंबर 19, फुक्कर बजाए जाने वाले वादियों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? ऑप्शन डी शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? ऑप्शन ए उस्ताद सलाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, डुमरांव बिहार में? डुमरांव बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23, पक्का महल क्या है? चार ऑप्शन, संगीतकार का नाम, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्वेश्चन नंबर 24, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? चार ऑप्शन, डी में है 21 अगस्त 2006, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी क्या शहनाई बजाते थे? चार ऑप्शन, चौबीस का डी। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहां शहनाई बजाते थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में। ऑप्शन ए मंदिर में। सहने की उपाधि किसे दी गई? क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन डी सहनाई को। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, अमरुद्दीन। ऑप्शन बी शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने है, 1975। ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अयोध्या उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? ऑप्शन डी फिल्म देखने का। क्वेश्चन नंबर 32, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? ऑप्शन ई यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 33, बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? चार ऑप्शन, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34,
बिस्मिल्ला खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने रुपये मेहताने मिलती थी? ऑप्शन बी 8 आना। बिस्मिल्ला खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? ऑप्शन सी मुहर्रम के दिन। ऑप्शन सी मुहर्रम के दिन। क्वेश्चन नंबर 36। बिस्मिल्ला खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? ऑप्शन सी काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 37। नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। 37 का सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो इस प्रकार से नौबत खाने में इबादत चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को आपने जाना। रेस्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव का लिस्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और हैशटैग को छू करके सभी लिस्ट को पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।